अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज आप लोगों के पास एक नई और ताज़ा ख़बर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वो अभी पेट्रोल की कीमतें सऊदी गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ की हैं, उस सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ख़बर यह है कि सऊदी न्यूज़ के मुताबिक नवंबर 2017 से सऊदी गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है, जिसके मुताबिक 91 ऑक्टेन जो है, यानी 91 वाला जो पेट्रोल है, उसकी कीमत में 75 हलाले बढ़ जाएगी। और इसकी नई कीमत इस तरह से 1.35 पर लीटर हो जाएगी, यानी 1.35 पर लीटर हो जाएगी। और इसी तरह से 95 ऑक्टेन की नई कीमत जो है, वो 75 हलाले अजाफे के साथ 75 हलाला उसमें इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1.62 सऊदी रियाल हो जाएगी। इस तरह से इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो लोग जो कि अपनी कारों में पहले 20 रियाल में उनकी टैंकी फुल हो जाती थी गाड़ी की, तो अब वो तकरीबन 36 रियाल में होगी। और ये इजाफा सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक ये कीमतें अब जो है हर साल इनमें तब्दीली हो सकती है। मैंने चांस ये है कि इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि कम तो मुश्किल है, ज़्यादातर इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। अभी तक क्योंकि सऊदीया जो है वो खलीज कंट्रीज़ का वाहिद मुल्क था कि जहाँ पर फ्यूल प्राइस बाकी मुल्कों के लिहाज से कम थे, मगर अभी दुबई और कतर और बहरीन वगैरह इनके लेवल के ही ये प्राइस आ गए हैं। तो ये खबर थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सिरात मुस्तकीम को, और मैं इंशाल्लाह जो भी लेटेस्ट खबर होगी आप लोगों से शेयर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट जो भी कोई न्यूज़ है वो आप लोगों तक पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।